हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद पठन अभियान की कार्यपत्रिका करेंगे। तो बच्चों, ये जो कार्यपत्रिका है ये आपकी 10 फरवरी की है, वर्कशीट नंबर 21 है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आज की कार्यपत्रिका की शुरुआत करते हैं एक रोमांचक कहानी से, जिसको पढ़कर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। इस कहानी का नाम है गाय और शेर। एक बार 5 गायें एक जंगल में रहती थी। वे एक बड़े से हरे घास के मैदान में ताजी ताजी घास खाती थी। वे बहुत अच्छी दोस्त थी और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहती थी, ताकि शेर उन पर हमला ना कर पाए। उनके बीच की एकता की वजह से शेर उन पर हमला नहीं कर पाता था। परंतु एक दिन उन 5ों गायों में किसी वजह से लड़ाई हो जाती है। सभी गाय जो हैं अलग अलग जगह घास खाने चली जाती हैं। शेर इसी मौके का फायदा उठाता है और मौका पाते ही हर एक एक करके सभी गायों को खा जाता है। तो इस कहानी से आपको क्या समझ आता है बच्चों? आपने इस कहानी से क्या सीखा? एकता में बल होता है, यानी जब एकता होती है तो उसमें बल होता है। सब अलग अलग हो जाएंगे तो कोई भी उनका फायदा उठा सकता है। जंगल में रहने वाले जानवरों के नाम: हाथी, शेर, बाघ, जिराफ, जेब्रा और भालू। अब आगे करते हैं, बातचीत वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हैं, दो बच्चे, एक के हाथ में कपड़े हैं और एक के हाथ में एक लड़की कपड़े सुखा रही है। तो ये लड़की कहती है, चलो कपड़े सुखाने डाल देते हैं। हाँ, आज मौसम सुहावना है, लड़का कहता है। तो इनके बीच में आप लोग इस तरह से बातचीत करवा सकते हैं। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को आप सभी बच्चे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और सभी SCERT और DOE की वर्कशीट्स को हमारे चैनल्स की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर लेंगे। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।